ठीक है। तो मेंबरशिप, व्हाट यू मीन बाय मेंबरशिप ऑपरेटर? दिस इज बेसिकली यूज फॉर चेकिंग वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग और नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुम लोगों से बता रहे हैं, मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा धनबाद, ठीक है, हमने लिखा धनबाद, इस स्ट्रिंग का नाम क्या हो गया? धनबाद। अब धनबाद स्ट्रिंग के अंदर में इज, अब मैंने यहाँ पे लिखा धनबाद क्या है, डबल कोट्स में अगर लिखे हैं तो वो क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अब हम लिखते हैं ए एन इन धनबाद, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा आप बताओ? ए एन एक स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग मैंने ले लिया ए एन, ठीक है, ए एन इन धनबाद, ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है इन ऑपरेटर में। इन ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है? एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है ए एन का, किसके अंदर? धनबाद नाम के स्ट्रिंग के अंदर। ये कैसे जानेंगे कि धनबाद एक स्ट्रिंग है? जब इसमें डबल कोट्स लगा रहेगा, कोई भी वर्ड्स या कैरेक्टर्स या नंबर में कोट्स लगा रहेगा, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, इन पाइथन इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ए एन है, ए एन इन धनबाद, तो एन जो स्ट्रिंग है, एन भी क्या है यहाँ पे? स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग क्या धनबाद नाम के स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है? यस और नो? यस टेल मी। यस इसका सर, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू ट्रू। आएगा। चल हम इसको चेक करके देखते हैं पाइथन में, ठीक है। आइए पाइथन, जैसे मैंने अगर मान लो यहाँ बुक में दिया हुआ है एच, है ना, एच इन हेलो, यहाँ पे एक अनादर एग्जाम दिया एच इन हेलो, ठीक है, इन ऑपरेटर। तो ये ट्रू बोलेगा कि फॉल्स बोलेगा? टेल मी। फॉल्स। स्क्रीन इज विजिबल, इज इट, क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा कि फॉल्स बोलेगा? बोले फॉल्स। फॉल्स। एच इन हेलो, फॉल्स बोलेगा। ठीक, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, कैपिटल एच। यस सर। और अगर हम लिखते हैं सपोज स्मॉल एच और फिर लिखते हैं इन हेलो, तो ये क्या True. बोलेगा? ट्रू बोलेगा कि फॉल्स बोलेगा? ट्रू। ये ट्रू बोलेगा। तो ये इन ऑपरेटर का यूज हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं अब नॉट इन ऑपरेटर देखते हैं, वाई सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो ऑपरेटर को, डबल कोट्स में भी। इन और नॉट इन ऑपरेटर का हम लोग यूज सीख रहे हैं, ईशा कृष्णा प्रलव, ठीक है। इन और नॉट इन ऑपरेटर, बोथ इन एंड नॉट इन आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। वाई मैंने लिखा नॉट इन, वाई नॉट इन हेलो अगर मैंने लिखा, तो ये क्या देगा? ट्रू। ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू। ट्रू देगा। यस, वाई नहीं है हेलो में, वाई नहीं है हेलो में, तो ट्रू दे दिया। समझ में आया सबको? किसी को डाउट? नो सर। एनीवन हैव डाउट? यू कैन आस्क राइट नाउ। मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल साथ में दिखा दूं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है अब आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर थोड़ा सा लिख लेते, किसी को डाउट है इन नॉट इन में तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो अभी। निशान, प्रलव, प्रसून, श्रुति, स्नेहा, इन और नॉट इन ऑपरेटर में एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क। करण, क्लियर है? इन में आप चेक करोगे कि एच एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हेलो के अंदर। वाई में नॉट इन मतलब वाई नहीं है हेलो में, यस ट्रू नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम तुम लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन, अगर हम आते हैं ऊपर में यहाँ पे पाइथन में, अगर हम लिखते हैं ई ई नॉट इन हेलो, अभी क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। 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 समझ गया ना? मुझे लगता है आप समझ गए होगे आपने। यस। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर किस लिए यूज होता है पहले लिख लो। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर कंपेयर द ऑब्जेक्ट कंपेयर द ऑब्जेक्ट इफ बोथ the operands are actually the same।
क्या लिख रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर्स लिखना, आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर एक्चुअली द, जब दोनों ऑपरेंड्स एक्चुअली में सेम होगा तब इस ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दो तरह का आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। फर्स्ट वन इज, एक हो गया इज ऑपरेटर, ठीक है, वन इज ऑपरेटर का नाम हो गया इज, मतलब इसमें क्या उसको बोलते हैं आइडेंटिटी में, और दूसरा इज नॉट, इज और इज नॉट क्या हो गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इन और नॉट इन क्या होता है मेंबर और इन और नॉट इन से हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं ऑब्जेक्ट का, स्ट्रिंग का, और आइडेंटिटी ऑपरेटर से हम लोग दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। गेटिंग, अगर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो वन इज यूज फॉर कंपेयरिंग एंड वन इज यूज फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस चेक करता है और एक कंपेयर करता है। गेटिंग, नहीं आया समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो, ऐसा नहीं कि जादू हो रहा है, बोलो अभी, हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बता दीजिए फिर से। फिर से बता दें, ओके। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, दैट आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो तरह का आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, एक इज ऑपरेटर होता है, एक इज नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, एक इज ऑपरेटर हुआ और दूसरा क्या हुआ, इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसका हम लोग आते हैं चेक करते हैं पाइथन में। ठीक है, इज और इज नॉट ऑपरेटर ना, सपोज आपने लिखा पी इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने लिख दिया क्यू इक्वल टू पी, P equal to 100 and Q equal to P. फिर आपने लिखा P is Q. P is Q. P क्या है? Q. ठीक है? Small letter में लिखा है। याद रखना in, not in, is not, is or is not. ये आपका किसमें लिखाएगा? Small letter में, lower case letter में लिखाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो P equal to 100 और Q equal to P. यानी Q में भी क्या वैल्यू आ गया 11, 100, 11, 100, P में भी 100 और Q इक्वल टू, जब P करोगे तो आई थिंक Q में भी कितना आएगा, P का वैल्यू कितना था 100, तो बोल रहा है कि क्या P इज Q, क्या P Q है, तो ये क्या देना चाहिए, ट्रू की फॉल्स, ट्रू कंपेयर कर रहा है, तो ये देखो आंसर ट्रू दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes. अब मान लो तुमने लिख दिया R इक्वल टू 500, R इक्वल टू मैंने लिख दिया सपोज 500, और अब हम अगर लिखते हैं सपोज R is P, अब क्या देगा? False. R is P. क्यों false देगा? False क्यों देगा? Yes. सर P का वैल्यू 100 है और R का वैल्यू 500 है। Very good. तो यहाँ पे आंसर क्या देगा? False. I think किसी को डाउट नहीं होगा इज और इज नॉट ऑपरेटर में, किसी को अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। ये देखो मैं नोट्स में, आज मैं सारा नोट्स आपको भेज दूंगा पीडीएफ बनाकर शुरू से लेकर लास्ट तक का, आप अपने कॉपी में अगर छूटा होगा क्लास तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना सारा नोट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट, यूजर इनपुट के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले